एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, सारे भाई फिट होंगे। तो भाई आज की वीडियो के जैसे कि टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज मैं आपको एक हॉर्न दिखाने वाला हूं। ठीक है भाई, ये जो हॉर्न है थोड़े से अलग है। तो जैसे कि हमको पता होगा भाई, जो अपने रूट्स के मेगासोनिक आते थे बड़े वाले हॉर्न, जिनको हम मोस्टली वीआईपी हॉर्न्स कहते थे, या फिर एक तरीका वो था, मतलब उसको मतलब बहुत से लोग प्रेशर हॉर्न भी मानते थे। हालांकि वो रूट्स वाले प्रेशर हॉर्न अलग ही होते हैं, वो प्रेशर हॉर्न नहीं थे, पर रूट्स के मेगासोनिक के जो बड़े वाले हॉर्न आते थे ना, उसकी साउंड बहुत ही ज्यादा अलग आती थी। हालांकि अब वो जो आवाज आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है, स्पेशली जो अपनी बुलेरो या फिर जो स्कॉर्पियो, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो बुलेट्स में लगते थे, वो मतलब शौकीन लोग ही उस हॉर्न को लगाते थे। बट आजकल जब से क्रेटा टाइप हॉर्न आए हैं, जो जैज हॉर्न है, इन्होंने सारी जगह जो है उसकी ले ली है। तो भाई अब टाइम आ चुका है आपको एक वैसे ही सिमिलर हॉर्न दिखाने का, और ये हॉर्न अच्छी कंपनी, जैसे रूट्स एक वेल नोन कंपनी है, वैसी जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये भी एक वेल नोन कंपनी। हाँ जी भाई, तो आज हम बात कर रहे हैं बॉश के हॉर्न्स की। सबसे पहले अब एक ही चीज़ आपके मन में आ रही होगी और मैं समझ रहा हूँ भाई, क्या ये लीगल हॉर्न है, इसमें कोई चलान तो नहीं है, और इसकी प्राइसिंग कितनी है? तो भाई देखो, मैं आपको बता दूँ, 80 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड है वो अलाउड होती नहीं है किसी गाड़ी में, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। पर आपने देखा होगा मार्केट में, आप कोई भी हॉर्न लेने चले जाओ तो 80 डेसिबल से नीचे वाले तो बहुत ही कम साउंड करते हैं, जैसे जो कंपनी की आवाज़ आती है ना वैसी आती है। जो आफ्टर मार्केट हॉर्न होते हैं ये हमेशा 80 डेसिबल से ऊपर ही रहते हैं, काफ़ी मतलब मोस्टली होते हैं, कुछ कुछ लिमिटेशंस के हिसाब से भी चलते हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा साउंड नहीं आती है। बट हाँ भाई, इसकी जो साउंड है 80 डेसिबल से ज़्यादा है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। प्राइसिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ रूट्स के मेगासोनिक के साथ, और उसकी प्राइसिंग जो थी वो अप्रॉक्स 3000 के आसपास आते थे। और मुझे याद है क्योंकि मैंने अपनी इस गाड़ी में भी इंस्टॉल करे थे वो, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं थे इसमें। अब इसको देखेंगे इसका कैसा आउटपुट आता है। तो वैसे मैं बता दूं भाई, इसकी जो प्राइसिंग है अप्रॉक्स 2500 के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैंने ऑफलाइन ले रखे हैं, ये एक्चुअली इस गाड़ी के लिए नहीं है, किसी और गाड़ी के लिए है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ इसका रिस्पांस जरूर शेयर करूं। अगर आपको लेने होंगे आप ले सकते हो, ऑफलाइन में जाके पता कर सकते हो आप, क्या पता रेट कम चल रहे हो। जो ऑनलाइन लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्या पता प्राइस ऊपर नीचे चल जाए। काफी बार ऐसा होता है ना, होता है कि ऑफर वगैरह चल रहे होते तो आपको कम प्राइसिंग का मिल जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, इसका सीधा इंस्टॉलेशन करते हैं, इसका आउटपुट सुनाता हूं कैसा इसका आउटपुट आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स आप इसकी एंजॉय कर लीजिए अच्छे से, फिर इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, हमारी गाड़ी में जो लगा हुआ है वो अपने नॉर्मल जो आते हैं ना बॉश के हॉर्न है, उनका आउटपुट नो डाउट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चलते हैं। ठीक है, वो भी बॉश के हैं, ये भी बॉश के हैं, तो मुझे मतलब कंपनी में भी एक थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है ना। जैसे अगर आप लोकल लेने जाओगे तो थोड़ा सा मन में रहता है कि यार ये लोकल कंपनी है। ब्रांडेड चीज़ में ये रहता है कि जैसे बॉश हो गए, रूट्स हो गए, मिंडा हो गए, इनके जो हॉर्न की क्वालिटी होती है ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया होती है। भाई देखो, अगर वो पैसे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ना तो उसके लॉन्ग टर्म यूज़ होगा, इसलिए अच्छा होगा, तो ये तो समझने वाली बात रहती है। तो चलिए अब इसको जो है मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी एक बार, और आपको उसकी मतलब मेन क्वालिटी दिखा दूँ, तब तक आप इसके थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे हॉर्न है, और ट्रस्ट मी बहुत बड़े हॉर्न है और काफी हैवी हैं। देखो इसका मैं आपको एक आइडिया बताया था, आप समझ जाओगे कितने हैवी हैं। जो हमारे आपने देखा होगा ना, नॉर्मली हॉर्न आते हैं वो सिर्फ एक पत्ती पे लगे होते हैं, मतलब जो हॉर्न पिन होती है जैसे एक होती है, इसमें देखो आप इसमें कितनी मोटी है, मतलब 3 पिन इसमें लगी हैं तब जाके ये जो हॉर्न है रुका हुआ है। और भाई इसकी ना प्लेसिंग बहुत सही से करनी पड़ेगी, वरना जहाँ पे भी लगेगा बड़ा नुकसान कर देगा ये इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखना। हालांकि मेरी गाड़ी में आगे जगह रहती है, मेन चीज़ यही है भाई, इसकी प्लेसिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने इसे गलत जगह लगा दिया तो डैमेज भी कर सकती है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, रेडिएटर के सामने लगा, क्योंकि रेडिएटर के सामने की जो जगह है खाली रहती है काफ़ी सारी गाड़ियों में। तो भाई वो गलती मत करना आप, क्योंकि पता है क्या हुआ था, एक इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करता हूँ। कुछ टाइम पहले एक मतलब मेरे दोस्ती है, उसने लगाया था इसी रेडिएटर के सामने पे, हालांकि गैप अच्छा खासा था, बट ये हॉर्न ही होते हैं आगे पीछे हिलते रहे तो जो इसके पीछे का हिस्सा होता है ना वो रेडिएटर में टकराया और रेडिएटर पूरा लीक कर गया। तो मतलब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत होगी, और रेडिएटर लीक कर गया उसे पता भी नहीं चला, और गाड़ी का जो इंजन है सीज हो गया था। सीज मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा ओवरहीट होने लग गया था, क्योंकि आपको पता है अगर रेडिएटर काम नहीं करेगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। खैर वो बात साइड रखते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ प्लेसिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ भाई बहुत हैवी हॉर्न्स हैं। आउटपुट तो मैं इसका आपको एक बार चेकआउट करा दूंगा कैसे इसका आउटपुट आता है। ठीक है, अब इसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको इसको फिट करना है। पीछे आप देख सकते हो इसमें आपको पिन्स मिल जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो यहाँ पे आप इसको फिट करवा सकते हो आराम से।
ठीक है भाई, तो देख सकते हो ऐसा कुछ है। तो चलिए अब इसको सीधे गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, ऐसे बम्पर उतार लेता हूँ मैं पूरा और इसको फिट कर लेते हैं एक बार। इसके लिए आपको रिले कंपलसरी है, क्योंकि मैं सब देखो पहले हॉर्न मैंने आपसे कहा था कि रिले लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी होती है, बहुत सारे हॉर्न में आपसे मैंने कह रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत हैवी हॉर्न होते हैं रूट्स के, स्पेशली मेगासोनिक और ये जो आते हैं ना ऐसे वाले, तो इसमें रिले जरूर इंस्टॉल करना वरना कंपनी की वायरिंग को डैमेज हो सकता है। तो एक बार मैं आपको जो पुराने वाले हॉर्न है उसकी साउंड सुनाता हूँ कैसी उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, ऐसी इसकी कुछ आवाज़ आ रही है। अब इसको चेंज करते हैं इस हॉर्न के साथ जो बड़े वाले हॉर्न तो लग चुका है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि अभी ऊपर वाला तो मैंने जस्ट आपको आवाज़ सुनाने के लिए लगा रखा है, क्योंकि मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जो बड़े वाले बॉश के हॉर्न या रूट्स के हॉर्न होते हैं ना, वो क्या दिक्कत करते हैं, पहले एक हॉर्न हमने यहाँ नीचे लगाया था और ये देख सकते हो ये पार्ट टूट चुका है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है ये टूटी है, ये सिर्फ हॉर्न की वजह से टूटी है, मतलब इतना इसमें लोड होता है। बहुत से लोग रेडिएटर के आगे लगा लेते हैं तब भी रेडिएटर डैमेज हो जाता है। अब मैं एक बार इसकी आपको साउंड टेस्ट कराता हूँ कैसे इसकी आवाज़ आ रही है, फिर इसकी प्लेसिंग चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी प्लेसिंग के लिए हमें ना थोड़ा पत्ती के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसकी हाइट या इसकी लेंथ लंबी करनी पड़ेगी। एक बार आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ कैसे इसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा इससे। वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप भी इसको लगाना चाहते हैं तो आराम से आप लगा सकते हैं। प्राइस मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, बट हाँ साउंड इसकी काफी ज्यादा तेज है जैसे कि आपने इसका आउटपुट सुन ही लिया होगा, इनकेस भाई चलान वगैरह भी इसमें हो सकते हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके तो भाई मिलते हैं अगली किस्मतदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।